हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूले। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा टैन उस पार्टी में अंदर जाता है और वहाँ अपने गले को करता है और सारे लोगों के सामने बोलता है, मैं बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ आप सभी लोगों के साथ। मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इस पार्टी को बहुत इन्जॉय किया हो, और इस पार्टी में मैंने सब कोई कसर नहीं छोड़ा जो आप सब इन्जॉय ना कर पाए। तो ठीक है, मैंने बहुत बकवास कर ली, अब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट जू का, जो कि उनका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज डिफेंस किया गया हूँ कमांडर ऑफ सिंघाई के, और यहाँ पे उसके चारों दोस्त सुन रहे होते हैं। ये बात जू के फ्रेंड यानी सुई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है टैन की बातें, और यहाँ पे बोलता है कि अब मेरे सामने आएंगे जू और वो कुछ अल्फाज कहेंगे मेरे बारे में। सिर्फ और सिर्फ वो खुद की ही तारीफ करवाना चाह रहा था वहाँ पे। इधर वैन कीन वाशरूम में रहती है तो एक आदमी से टकर जाती है जो कि ब्लैक ड्रेस में होता है, और वो उसे बहुत अजीब लगता है। तभी वो नाटक करने लगती है, मानो कि वो कितनी ड्रंक हुई हुई है। कहती है, सॉरी जेंटलमैन, गलत फहमी हो गई, मैं तो बस ऐसे ही जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कहाँ जाना। और वो उसके पॉकेट को टच करती है तो उसे ऐसा फील होता है कि वहाँ कुछ है, तो बोलती है आई एम सो सॉरी। वो आदमी चला जाता है तो ये सोचती है उसके पॉकेट के पास गन था, ये इतने बड़े पार्टी में गन लेकर क्यों आया। उसको उस आदमी पर शक हो जाता है। इधर पार्टी चल रही होती है, इधर अपने अल्फाज में जू बात कर रहा होता है और टैन के सच में तारीफ़ कर रहा होता है और कहता है, उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैंने संभाला उस तरीके से टैन भी आगे संभालेगा। तभी यहाँ पे टैन की नज़र पड़ती है वानकिन पे, और वानकिन बोलती है टैन के एसोसिएट से कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, एक आदमी जो ब्लैक ड्रेस में वो गन लिया हुआ मैंने देखा है। तो कहता है कि आप श्योर हैं? बोलती है हाँ मैं श्योर हूँ। तभी वो आदमी जा रहा होता है, वो इशारा करती है वानकिन की, देखो वो रहा। और यहाँ पे उसके ऑफिसर जाते हैं उस आदमी को, तभी वहाँ उसके पॉकेट में गन नहीं बल्कि ग्लास होती है। तो यहाँ पे बोलता है, सॉरी जेंटलमैन, मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वैनकिन सोचती है ये इम्पॉसिबल है, मैंने खुद देखा था उसके पॉकेट में गन था ना कि ग्लास था, ज़रूर कुछ होने वाला है। तभी यहाँ पे टैन की नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो कि ब्लैक कोट में होता है और चश्मा लगाया हुआ होता है, उसने लगा उसे पहले भी देखा है। इतना सोच ही रहा होता है कि वो गन निकाल के शूट करने लग जाता है, और यहाँ पे जल्दी से सारे लोग भागते हैं और वहाँ पे जू को बचाता है टैन। और तभी यहाँ पे पीछे से धक्का देती हूँ वो आदमी को वानकिन, और उसे वो हॉस्टेज बना लेता है। कहता है, अगर मेरे सामने किसी ने भी आने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को जान से मार दूँगा। और यहाँ पे सारे लोग डर जाते हैं, जू काफ़ी डर जाता है कि कहीं उसने वानकिन को कुछ ना कर दे। तो यहाँ पे टैन उसे रोकता है, कहता कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, और आपको जान पे खतरा है, आप कुछ भी ना करो ऐसा। यहाँ पे वो उसे पकड़ लेता है, कहता है एक कदम कोई आगे ना बढ़ाए। इधर दूसरे होटल से कोई गन शूट कर रहा होता है, और वो गन शूट करके वो शीशे को क्रॉस करता है और सारे लोगों के बीच से वो पास होता है, और जैसे ही लगने वाला होता है जू को तभी टैन उसे ठेल देता है। यानी कि यहाँ पे जू को कोई मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे बोलता है टैन कि जल्दी फोर्थ फ्लोर पे दूसरे होटल में कोई है, वहाँ से गन शूट हो रही है। तभी यहाँ पे वो यू बैठी होती है, उसके साथ सू होता है, कहता है हिलना मत, यहीं पे रहना वरना ख़तरा हो सकता है। वो चुपचाप से रहती है बैठी हुई। इधर जू देखता है, कहता है तुम बात करो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ पे वो उसे लेके भाग जाता है, उसके पीछे पीछे ये सारे लोग भाग रहे होते हैं। यहाँ पे बोलता है चलो जल्दी सीढ़ी पे चढ़ो वानकिन को, वो गुंडा। और यहाँ पे उसके पीछे टैन, जू, उसके पीछे सारे कमांडर्स होते हैं। यहाँ पे जैसे ही गोली मारता है टैन, लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा गोलियाँ चलने लगती है। कहती है मुझे बस मिस्टर जू से बात करनी है, उसे अकेला भेजो ऊपर, अगर वो अकेला नहीं आया तो ये लड़की मर जाएगी, इसके जिम्मेदार से बस तुम लोग होगे। तभी वहाँ पे टैन रोकता है कि उसकी कोई ट्रिक भी हो सकती है, आपको ख़तरा भी हो सकता है। तो कहता है
मुझे मेरे खतरे के लिए कोई परवाह नहीं है। मुझे वानकिन को इन एनी और बचाना है। मुझे खुद की जान की परवाह नहीं है, मुझे जाने दो। इधर सू और पी फोर्थ फ्लोर चलाया था दूसरे होटल में जहाँ गनशूट हो रहा होता। वहाँ में दोनों में खूब लड़ाई पीट हो रही होती और यहाँ पे शू उसे मार देता है जान से और यहाँ पे उसका गन छीन लेता है। तभी यहाँ पे कोई और भी होता है अंदर। वो बोलता है एक और आदमी है अंदर, हम लोगों को सेफली काम करना होगा। इधर टैन जा रहा होता है, कहता बॉस आप फोर्थ फ्लोर पे जाओगे, पागल हो गए क्या, कैसे जाओगे। कहता है मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो उतनी ऊंचाई बिल्डिंग से बहुत संभल कर टैन जा रहा होता, अपना बिल्कुल भी जान की बिना परवाह किए हुए उतनी ऊंचाइयों पे चढ़ रहा होता है। इधर यहाँ पे गन पॉइंट भी होती है वानकिन और इधर जू भी होता है। कहता गन नीचे रखो, तो जू बिल्कुल वैसा ही सुन रहा होता है उसकी बात ताकि वानकिन को कुछ भी ना हो। इधर बहुत ही मुश्किलों से चढ़ रहा होता है कमांडर टैन और यहाँ पे वो शूट कर देता है क्रिमिनल जू को। और इधर वो मना करती है कि प्लीज़ अपना गन मत इस तरीके से रखो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ पे कमांडर जू देख लेता है कि टैन आ रहा है और यहाँ पे टैन इशारा कर देता है और वो शूट करने लगता है और वो शूट करता है सीधा और यहाँ पे उस क्रिमिनल के सीधा हेड पे लगता है जो कि बहुत दर्दनाक होता है। इधर जैसे ही वो गिरने वाली होती है क्योंकि वो तो मर जाता है, तब यहाँ पे जू बचा लेता है। इधर देखने को मिलेगा इधर सू और पी दोनों शूट कर रहा होता है और फाइनली कवर्ट के अंदर एक आदमी होता है जो कि और शूट कर रहा था, तो वो दोनों उसे मार देता है एक साथ में। इधर वानकिन के फादर मूजियान हैप्पी होते हैं और थैंक कहते हैं कमांडर टैन का कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता, आज सब जीवित है सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से। थैंक यू सो मच कमांडर टैन। और यहाँ पे कमांडर टैन को भी काफ़ी चोटें आई थी और यहाँ पे वानकिन उसके पास होती है तो बोलती है तुम सुधरोगे नहीं ना, और वहाँ से वो जाने लगती है तो बोलता है यही दोस्ती यही प्यार। तभी वो वापस आती है उसके पास और कहती है शर्ट उतारो, वो शर्ट उतारता है। बहुत ज़्यादा उसके पूरे बॉडी में हर जगह स्क्रैच ही स्क्रैच होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंजर वाले। यहाँ पे वानकिन साड़े को देखती है, कहती है ये साड़े क्या है, तो कहता है कुछ भी नहीं ये बोलती सब। है देखो मैं लगाने जा रही हूँ, थोड़ा सा पेन तो होगा पर प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना। कहता है जब इतने सारे किए हैं तो ये क्या है, कुछ भी नहीं। तो वो उसके हार्ट पे लगाती है, यहाँ पे भी काफ़ी स्टिचेस होते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा तो पेन होता ही है। और यहाँ पे बोलती है ये सब तुम्हारे बॉडी में आखिर आए कैसे, तो कहता है ये सारे 15 साल पहले ही आ चुके थे जब मैं बहुत छोटा था, तभी से ये सब चीज़ें मेरे पास आने शुरू हो गए और इन सारी चीज़ों की मुझे आदतें पड़ गई। इधर जू को भी बैंडेज हो रहा था जो उसके शोल्डर में गोली लगी होती है और यहाँ पे आता है मिलने के लिए जू टैन से और बोलता है कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, जब से तुम कमांडर बने हो तब से एक जाता नहीं है प्रॉब्लम कि दूसरा खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे बोलता अच्छा ये सब मेरी वजह से था, शुक्रगुजार करो कि मैंने तुम्हें बचाया, तुम सबको बचाया। यहाँ पे वो तीनों एक क्रिमिनल को पकड़ता है और कहता है यही वो इंसान है जिसने ये सारी प्लानिंग किया है। तो कमांडर टैन कहता है ये वो नहीं है। तो यहाँ पे सू को काफ़ी गुस्सा आता है, कहता मैंने कहा कि यही वो है, इसने खुद कन्फेस किया है, इसके पास से नोटबुक मिली है, तो फिर तुम एग्री क्यों नहीं हो रहे, क्या समझते हो क्या तुम, हाँ एक कमांडर हो तो कमांडर के तरह रहो ना कि तुम सुपरवाइज़र बन गए हो। वो आदमी कहता कि हाँ ये सब मैंने किया है, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन टैन कहता है ये इसकी प्लानिंग नहीं थी, इसके पीछे कोई और है। और यहाँ पे जू बोलता है कि क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो कहता मैंने ऐसा कब कहा कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग बस ये नहीं है वो शख्स। और तभी सडनली वो गिर जाता है और उसे पॉइजन देके वो खुद मर जाता वहीं पे, तो सारे लोग उसे वहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे बोलता है टैन कि अब आपको जाना होगा सुपरवाइजर, आपको आराम की ज़रूरत है, तो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं।
तो अब वैनकिन को भी चलना चाहिए, तो यहाँ पे बोलता ये नहीं जाएगी, तो कहता क्यों नहीं जाएगी। यहाँ पे वैनकिन बोलती मुझे कुछ काम है, आप आराम करो, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो।